नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बेटी यानी कि कीर्ति यादव के फोटो के साथ छेड़छाड़ और उस पर गाने को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया विवाद शुरू हो गया है, जिसकी चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में जोरों शोरों से हो रही है। और ये चर्चा तब और चर्चा का विषय बन गई जब खेसारी लाल यादव दो दो बार लंदन से लाइव आकर उनके आंखों में आंसू उनके फैंस देख लिए और उसको अब यानी कि जो गाना गाया है उसको जमकर लताड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो बोलते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव की बेटी कीर्ति यादव है और उन पर गाना गाया गया है, लेकिन खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गाने के बाद खेसारी लाल यादव के साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खेसारी का सपोर्ट कर रहे हैं और उस दरिंदे गायक का अपोज कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में भोजपुरी की कोई बड़ी अभिनेत्री जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि वो भी एक महिला है, वो भी किसी की बेटी है, वो जो है वो सामने नहीं आई है और कीर्ति के बारे में या फिर खेसारी लाल यादव के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है। इस कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव एक गाना गाए हैं हसीना, उस गाने की हीरोइन यामिनी सिंह है और यामिनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कई सारे स्टोरी साझा किए हैं, जिसमें वो विरोधियों को चुनौती दी है जो इस तरीके के दरिंदे किसी बेटी पर, किसी के बहन पर, किसी की पत्नी पर गाना गाते हैं वैसे लोगों को सबक सिखाने की बात कही है। दरअसल बात करें तो यामिनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर किसी का पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने उस चीज को रिशेयर किया है और उस पर लिखा गया है कि डिंपल हो या नीलू हो, काजल हो या फिर आपकी बेटी हो, सबकी बहन बेटियां अनमोल और रंगत हैं। उनको बदनाम करने वाला हर शख्स दोषी है, चाहे वो झुनझुन यादव हो या गुटका छा पंकज है। यानी कि उनका ये कहना है कि कोई भी गाना गाए, किसी भी समाज का व्यक्ति गाना गाए, अगर वो किसी की बहन बेटी को लेकर गाना गाता है तो मुझे लगता है कि वो शख्स दोषी है। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो खेसारी लादो के समर्थन में उन्होंने एक बात कही है। वहीं बात करें तो यामिनी सिंह ऑफिशियल एक खेसारी लादो की तस्वीर को साझा करते हुए लिखता है कि इतिहास गवाह है कि असल राजपूत औरतों का इज्जत के लिए अपने जन तन या औरत कम से कम जो इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, जो कि राजपूत समाज इस तरीके का काम नहीं कर सकता है, उसको लेकर उन्होंने चुनौती दी है और इस तरीके की बातें लिखी है। तो कहीं ना कहीं एक हीरोइन तो एटलीस्ट अपनी रेशियर के माध्यम से लोगों को संदेश देने की कोशिश की और इनडायरेक्ट लेके खेसारी लाल यादव के समर्थन में उतरी, लेकिन भोजपुरी की और भी तथाकथित कई सारी अभिनेत्रियां हैं उनको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि वो उनके जेंडर का सवाल है, क्योंकि वो लड़की है कीर्ति यादव और बाकी अभिनेत्रियों को आकर सामना करना चाहिए और उस चुनौतियों से लड़ना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, कौन कौन सी हीरोइन आ सकती है, कौन नहीं आ सकती है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।